हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ फाइव। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया है, आज की रेसिपी है हमारी हलवा रेसिपी। तो इस नवरात्रि आप हलवा बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बड़ों को भी खिलाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में एक चम्मच घी लेंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में पूरा घी ले लेंगे। फ्रेंड्स, हलवे में तो जितना घी हो उतना ही हलवा टेस्टी बनता है। तो अभी हमने इसी कढ़ाई में अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था। अब हम इसी में सूजी घी को गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा घी तैयार हो रहा है, तब तक मैंने उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने सूजी ली, उससे 4 से 5 गुना पानी रखा और उसमें जो मैंने आपको चीनी दिखाई थी वो मैं डाल रही हूँ। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है ना फ्रेंड्स, तब तक हमारी ये जो चीनी है वो पानी में अच्छे से घुल जाएगी और हमारा हलवा देखना कितना अच्छा बनेगा। हमें इसको चाशनी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इतना इसको करना है कि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। तब तक हमारा घी भी तैयार गर्म हो चुका है। अब हम अपने इसमें सूजी डालते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सूजी भूनते भूनते हमें 2 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें इसे और काफ़ी देर तक भूनना है अच्छे से, क्योंकि वे फ्रेंड्स हलवे में तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में जो मज़ा आएगा ना आपको इसे खाने में, तब देखेगा आप, सब आपके हलवे की तारीफें करते रहेंगे। बस आप बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से फॉलो करते रहें। हमने अपने पानी वाले गैस को भी बंद कर दिया है। अब हमारी सूजी भी देखिए ब्राउन होने लगी और जो सूजी ने घी भी काफी हद तक छोड़ दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको बोल में शिफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमने इसे बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए डालने वाली हूँ थोड़ा सा सूखा नारियल, थोड़ा सा कटा हुआ बादाम, काजू, जो भी आप लें। आपके घर में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा तैयार है। अगर आपको मेरा ये हलवा रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।